इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अम्मी हम जा रहे हैं आपसे दूर। हमें अपनी इबादतों पे पूरा यकीन है आसरा, कभी नहीं जा सकता। एक साल तक हमसे दूर क्यों थे? अब्बू किस अंजाम की बात कर रहे थे? हमने जब तुमसे उस अंजाम के बारे में सवाल किए तो हमने दुबई जाने का फैसला कर लिया। क्यों? हमारे सवालों का जवाब देते जाओ, वो भी आंखों में आंखें डाल कर। हम अपने सारे काम अपने साहब के हुक्म पे करते हैं और तुम्हारा जिंदा रहना साहब के लिए खतरा बन गया है। तुम्हारा मरना जरूरी है। साहब कौन है? जारा को कौन मरवाना चाहता है बताओ हमें। वो शूटर गया जेल में, मिल गई तसल्ली। पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया वो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने तुम्हारे घर के बाहर हिफाजत का इंतजाम कर दिया। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा। जब तक हम तुमसे नहीं कहेंगे ना, एक कदम तुम घर से बाहर नहीं रखोगी चाहे कुछ भी हो। कौन है? पता नहीं। हमारी बातें क्यों सुनी थी? किसे गिराया यहाँ पे तेल? हमें पता है, इन्होंने ही गिराया था। किसने भेजा है आपको? हम आपसे पूछ रहे, किसने भेजा है आपको? वो मकबूल या रहमान? हमारे बेटे के सामने हमारे खिलाफ बात करके ठीक नहीं किया मकबूल तुमने। अब तुम देखो हम तुम्हारी अम्मी का क्या हाल करते हैं। देखो तुम, अम्मी को छोड़ दो साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है साहब। ए चुप कर। चलो बेटा। अरे रुको रुको रुको, हम भी पैसे घुमाने। अमान पहले बड़े तो हो जाओ। देखो हम बड़े हो गए। अच्छा बस, बस बस ये लो बस, ये बस। लो अमान बार। बैठो बैठो।
सदा खुश रहो। बेटा कुछ महीनों पहले हालात के हाथों मजबूर होकर हमें खुला के खत पर तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे दस्तखत लेने पड़े थे, और सच कहें हमें इस अमल ने अंदर से तोड़ के रख दिया था। हमने बहुत दुआएं की, बहुत मुआफी मांगी कि अल्लाह ऐसे दिन किसी भी बाप को ना दिखाए, और सच कहें अल्लाह ने हमारी सुन ली, हालात बदल गए हैं। बहुत इबादतों के बाद ये दिन नसीब हुआ है बेटा। आज एक बार फिर तुम ससुराल जा रही हो, बस इस अर्जी पर दस्तखत करके हमें शर्मिंदगी के पिंजरे से आजाद कर दो बेटा। अब्बा, अब्बा हम इस पर अभी साइन नहीं करेंगे। हम जब खुला के कार्रवाई के लिए गए थे ना, तो उससे पहले काजी साहब ने बहुत दुख के साथ हमें निकाह की अहमियत समझाई थी। इशारे में हमसे ये तक कहा था, हमसे दरख्वास्त की थी कि हम खुला के अर्जी ना दें, और अब जब हम ये अर्जी उनके पास लेकर जाएंगे और हम कबीर के साथ जाएंगे, उन्हें ये बताएंगे कि हम दोनों के बीच सुलह हो गई है, तो हमें यकीन है काजी साहब को खुशी मिलेगी। हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, आपसे यही इल्तिजा है, यही गुजारिश है। ये एक बार पहले टूट चुकी है, और अब अगर इसके ऊपर कोई आंच आई तो ये बिखर जाएगी। इससे पहले कि आप अपनी बेटी हमें सौंपे, हमारी कुछ शर्तें हैं। माँ भगवान जी के सामने प्रार्थना करें कि उस आदमी के लिए कि उसकी जान बच जाए, वो ठीक हो जाए। जब मैंने पूछा माँ से वो कौन है, तो माँ ने मुझे डांट दिया और कहा कि दोबारा अगर उसके बारे में पूछा तो क्या, तो वो भी वही करेंगी जो मैंने करने की कोशिश की, खुदकुशी। प्राची जो सवाल पूछ रही है उसे टाल मत, क्योंकि वो देख रही है कि उसकी माँ को एक अनजान आदमी से इतना लगाव है जितना सिर्फ एक पत्नी को अपने पति से होता है। तो नहीं भी जवाब देगी तो ढूंढ लेगी। गोल गोल घुमा कर बात क्यों कर रही हो? डायरेक्टली साफ साफ बोलो ना कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर की वजह से वो मंडप गिरा। पिताजी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? बुरा लगा, ये कमबख्त दिल उसी के लिए धड़कता है ना। मैं इस खिड़की से नहीं कूद सकती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और अखी आंटी को कौन बचाएगा? हड्डू लाई हो गौत के हैं, और इसमें मोती हीरा नीलम नहीं है। लाई माँ खुरानी सा, अब रोने का वक्त ना है, अब तो काले बादल हटने की शुरुआत हुई है, क्योंकि हमारी कुंवराणी साहब वापस आ गई है। कुंवराणी साहब, मेरी बुआ मिस गोमती त्रिपाठी और मेरे चाचा मिस्टर नरेंद्र त्रिपाठी, उनके हक का 25-25% दे रहा हूं। राजा बेटा बन के तो दिखा दिया तूने सबको, अब ये डब्बा खोलकर अपनी असलियत भी दिखा दे सबको। नहीं ठीक है, मैं खोल देता हूं तेरा तोहफा। खूनी अगर आज रात को इनकी हार्ट सर्जरी नहीं की गई, उनको बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसके लिए आपको आज ही हॉस्पिटल में 25 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। शायद तुम्हारे दादाजी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं, और तुम उनके इरादे पर शक कर रहे हो। शर्मिया थी तुम्हें। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मैं तुम्हें मेरी बहन का कैसे होने दे सकती हूँ? और अवंतिका, उसका सच तुम्हें सबके सामने लाकर रहूंगी। अचानक से मुझे अपने प्यार की ताकत का एक अलग ही एहसास हो रहा है। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा वेदिका जी, भगवान ने मुझे आपके लिए बनाया है वेदिका जी। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल, देखिए।
ये देखकर बता सकते हैं साड़ी आप ही के यहाँ बनी है और किसने ली थी? जी हाँ, मुझे पता है वो कौन है। जिंदल साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, आराम से भी तो बात हो सकती है ना। क्या हुआ गुड्डन, अपनी हार कबूल करने आई है क्या? आज हार और जीत का फैसला मैं करूँगा बुआ जी। बोलिए। कल्याणी ना घर के बाहर अकेले टहल रही थी। हाँ, और तो और इतना ही, बीच में ना उसका चश्मा गिरा था, तो बिना किसी परेशानी के उसने अपना चश्मा नीचे झुक के उठा लिया। सॉरी